ताली बजाते हुए बोले, इधर ब्रज में गोपियां रो रही हैं, चोरी चले बनवारी में कैसे करूं, ताली बजा करके बोला करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम यधारा और सुमेरी सुमेरी जनयु तरई, जो सतयुग त्रेता युग द्वापर थे, हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे भक्तों, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे तब वो फल नहीं मिलता था, लेकिन इस कलयुग में 5 मिनट बैठ करके भगवान का भजन कर लो, वही फल प्राप्त होता है जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। इसीलिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे जन उतर हैं। तो सभी भक्त ताली बजाए के बोलो करो, और पकड़ बाबा ऊपर आ जाओ, तुम्हारी ज्यादा यहाँ पे विशेष मांग है। हमारे मुकेश भैया कह रहे वैल के पकड़ बाबा आए गए, उन्हें बुला लो। अरे मैंने की बिन की बहुत जरूरी है। देखिए भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, अगर आजकल दिमाग की बहुत जरूरत है परीक्षित महाराज, जब भोले बाबा और पार्वती में एक बार बहस हो रही थी तो पार्वती मैया बहुत जल्दी बहक जाती थी परीक्षित महाराज, तो एक दिन पार्वती मैया ने देखा तो कहने लगी, अच्छा ये बताओ भोले बाबा थे रूठ के बैठ गई। भोले बाबा गए, पार्वती कैसी बैठी है रूठी, तो पार्वती कहने लगी रूठी का बैठे काऊ गंदे तो निरो अमीर और काऊ बिचारे पे खाए बेगुनाए, ऐसा क्यों करते हो। भोले बाबा बोले, सुनो पार्वती, अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आदमी एक दूसरे को कुछ पूछेगा भी नहीं, इसीलिए कोई है पैसे वाला तो कोई है गरीब, जिससे हमको और आपको भी मानते हैं, जब किसी भी चीज की कमी ना है तो काहे के लिए भगवान को पूछ रहे हैं। जब इतनी बात सुनी तो एक गरीब उस घर हो, उस घर में 3 रहते थे, एक माताजी रहती थी और एक पिताजी एक उनका पुत्र रहता था, 3 ही रहते थे। तो पार्वती भोले बाबा दोनों पहुंचे, इन्हें वरदान दो जो जे मांगे सो दो। जैसे पार्वती ने तनी बात गई तो भक्तो, उस दिन हमारे गुरुजी ने बताया था कि हर नारी हर नर नारी के बस में है, भोले बाबा भी पार्वती के बस में है। तो भोले बाबा ने कही ठीक है पार्वती, जैसो तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं। तो जाकर के सबसे पहले दुकरिया सामने पड़ गई, कहो का मांगोगी, हाथ जोड़ के बोली बाबा जब बुढ़ापे थे मैं तो ज्यादा ही तंग आए गई हूँ, ऐसो करो मुझे जवान बना दो। ए भोले बाबा ने कह दिया तत्तास्तु, ऐसा ही होगा। ए डुकरिया जवान बनेगी, और जैसी 16 साल की कन्या बनी डुकराती गई, तुम मांग लो गच, डुकरा की आत्मा सुलग गई, जवान बनेगी। डुकराने की अच्छा तू बताए दू अब मैं, डुकरा बोलो महाराज ऐसो करो जो हमारी पत्नी है ना, कि हाँ कि इसे तुरंत वो गधैया बनाए दो। ऐसो ही भोले बाबा ने तथास्तु, ऐसा ही हो गधैया बन गई।
और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं रिंकू बबाली शास्त्री ग्राम लालगढ़ी से। भगवान से कामना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों के भंडार हमेशा भरे रहे। और जब डुकरिया को जब बेटा ने देखो सोचने लगा ये क्या हुआ, हाथ जोड़ के बोला स्वामी अगर मोए वरदान देव चाहता हूं तो एक काम करो जैसी मेरी माँ आती वैसी कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो वरदान मांग ले तीन और मांगो का रहे तैसे के तैसे ही। लेकिन एक लड़का माँ सरस्वती की पूजा करता था, मैया जब प्रकट हुई है बेटा हमसे कोई वरदान मांग लो। उसी समय बेटा ने कहा ठीक है। तो घर में वो सबको खुद से ज्यादा सबको चाहता था तो अपने मैया के पास में गया। उसकी मैया थी बिल्कुल अंधी कि मैया मैया प्रकट भइए और जी कह रही है बेटा तुम कुछ वरदान मांग ले। तो मैं क्या वरदान मांगू? तो मैया ने कहा बेटा बस इतना मांग ले कि मेरी अब मेरी माँ को मैया ज्योति दे दे, मेरी माँ देख सके। ठीक है मैया। अब गया पिताजी के पास में। पिताजी के पास में गया तो पिताजी ने कहा बेटा थोड़ी गरीबी चल रही है मैया से मांग लो थोड़ा धन तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। अब पत्नी के पास में गया तो पत्नी ने कहा स्वामी हमारे पास में कोई संतान नहीं है और आप ऐसा करो मैया से एक संतान एक पुत्र मांग लो। अब वरदान है तीन और मैया ने एक वरदान का बोला है। हाथ जोड़ करके जा करके खड़ा हो गया। मैया ने कहो कहो बेटा का वरदान मांगना चाहते हो? तो हाथ जोड़ के बोला सोने के पलना मिल लेना मेरी मात देखना चाहती है सोने के पलना सोने के पलना में ललना मेरी मात देखना। तीनों वरदान आए गए एक ही बार में। सोना धन हो गया पिता की भी इच्छा पूरी हो गई और माँ तो देखना चाहती है। मैया की तो ज्योति नहीं थी लेकिन वो देखना चाहती है तो वो भी वरदान दूसरा भी पूरा हो गया। और तीसरा जो पुत्र का था जो पत्नी ने कहा था कि एक संतान मांग लो। तो भक्तों इंसान के अंदर बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वो कहते हैं परीक्षित महाराज अकल बड़ी के भैंस बेहिसाब है जातो है। तो सभी भक्त इधर में गोपिकाएं रो रही हैं चोरी चले गिरधारी मैं कैसे करूं यशोदा मैया बारी रोवे यशोदा मैया बारी रोवे गोपी असुवन ते मुख धोवे गोपी असुवन ते मुख धोवे जो प्रेम भी रहती मारी मैं कैसे करूं
जसोदार रोवे पछाड़ी खावे, जसोदार रोवे पछाड़ी खावे, यसोदार रोवे पछाड़ी खावे, जसोदार रोवे पछाड़ी खावे, हम कू छोड़ी का तू जावे, हम कू छोड़ी का तू जावे, अरे हम कू छोड़ी का तू जावे, रख के अंगारी में कैसे करूं, चोरी चलेगी रदारी में कैसे करूं, चोरी चले। नंद किशोर भैया भैया रो रही है, चोरी चलेगी रदारी कैसे करूं, चोरी चलेगी रदारी में कैसे करूं, चोरी चलेगी रदारी में कैसे करूं, चोरी चलेगी रदारी में कैसे करूं। बोलिए फक्कड़ बाबा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, इस प्रकार से आज मैया यशोदा और गोपियां लाज शर्म त्याग करके भगवान